कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एलिगेशन आप पर लगते हैं, ऐसे बहुत से इस्लामिक गुरु भी सामने आए हैं जिन्होंने बीते 2-3 दिनों में बहुत ही आपत्तिजनक भाषण दिए हैं, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे वो दूसरे जगहों से हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, उनकी तो आप आलोचना नहीं करते हैं, पर आप योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सरकार, इनकी तमाम खामियां आपको दिख जाती हैं। इसलिए दिखती है क्योंकि वो सरकार में है, वो पावर में है, पोजीशन ऑफ पावर में रहकर आप उसको अब्यूज कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री है, आप एक भारत की अजीम ओहदे पर, प्रधानमंत्री के ओहदे पर हैं, आप देश की सबसे बड़ी प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा बने, तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप पावर में रहकर आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो क्या बताइए क्या होगा फिर उसका, क्या पैगाम दे रहे हैं आप। यही इन तमाम चीजों की वजह से ही एक इकोसिस्टम बन गया मुसलमानों के खिलाफ हेट का। इसीलिए आप देखते हैं कि टीवी पर जाकर आपकी बरादरी को भी कंट्रोल करनी चाहिए आपको कि प्राइम टाइम पर अनाप शनाप बका जाता है मुसलमानों के खिलाफ। हद तो यह होगी कि कल एक हिंदी टीवी चैनल के ऊपर नाम लेना चाहता हूं मैं, उस मोहतरमा को, उस महिला को बिठाया गया जिसने गांधी की फोटो के ऊपर एक बंदूक लगाकर कहा कि उसको मैं गोली मार देती, तो आप नहीं बोलेंगे आपकी बिरादरी के बारे में सुमित भाई? आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरा चैनल अलग है, मत बोलिए आपकी बिरादरी। मैं मेरी बिरादरी के बारे में मेरी बिरादरी के बीच में बोलूंगा, मैं आपके पास नहीं आऊंगा बताने के लिए कि मैंने उनसे क्या बात की। ये बड़ा क्लियर रखिए, मैं अपनी बिरादरी में जाऊंगा बोलने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, असद साहब अपनी बिरादरी में गए कि एमएफ हुसैन ने गलत किया? असद साहब अपनी बिरादरी में गए कि बूंदी में मौलाना ने गलत बोला? सुनिए, नहीं बोलना चाहिए था। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जब आप अपनी बिरादरी की बात करेंगे मैं भी अपनी बिरादरी में बात करूंगा, आपको क्यों बोलूंगा मेरी बिरादरी की बात? जब आपकी बिरादरी आपको मुबारक है, आपकी बिरादरी ने एमएफ हुसैन पर कोई एक्शन लिया नहीं, उनसे बात करूंगा? आपकी बिरादरी ने एमएफ हुसैन पर कोई भी एक्शन लिया नहीं? आपकी बिरादरी ने बूंदी के उस बोलाना पर एक लाइन नहीं बोली? में है? अरे कंडेम तो कर सकते हैं ना, आलोचना तो हर कोई कर सकता है। में है हम क्या? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे मातहत काम करते। देखिए आपको गलत फहमी है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का प्रधानमंत्री है, आपको गलत फहमी है कि महाराष्ट्र का कमिश्नर डीजीपी पुलिस मैं अपॉइंट करता हूँ, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर कर लीजिए। आप देखिए आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लाखों लोगों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपकी पार्टी देश भर में पैर पसारना चाहती है, आप देश भर में कैंपेन करते हैं, आप प्रधानमंत्री भले ही ना हो लेकिन आपके अंदर ये मंसूबा है कि देश का जो भी प्रधानमंत्री बने वो आपकी मर्जी से बने, आपकी इच्छा से बने, आपकी सहमति से बने। तो आपको कहना चाहिए जो गलत बात है उसका कंडेम करना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को और AIMIM को। हाँ 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 बिल्कुल 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 कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इसी वजह से आप जब ये जो बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है जिनको ड्रामा करके सस्पेंड किया गया है, हमारे ही शहर में किसी ने इनकी सर की कीमत लगा दी थी, तो जिसने इनकी सर की कीमत लगाई थी उसको वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो जेल में है। उनका एड्रेस क्यों डाल दिया भाई? सारे देश को बता दिया उनका एड्रेस कहाँ है, इनको इतना भी ख्याल नहीं है? आप बीजेपी पर बात करना चाह रहे हैं लेकिन चलिए मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र में FIR कराती है रजा एकेडमी, करीब 10-11 दिन हो गए FIR हुए। भिवंडी में भी एक FIR होती है, पुणे में भी FIR होती है नुपुर शर्मा के खिलाफ। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वहां तो शिवसेना, कांग्रेस, NCP सरकार चला रहे हैं, उस पुलिस ने भी आके कार्रवाई नहीं की कोई, उसके खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोले आप? अरे आप भिवंडी का भाषण देखिए सुमित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी जरा टीम को बोलिए असदुद्दीन ओवैसी जब बिठाते ना तो सर्वे कर लो, रिसर्च कर लो पूरा। मेरे भिवंडी के भाषण में मैंने ये कहा था कि शरद पवार के खिलाफ किसी ने फेसबुक पोस्ट लिखा तो राष्ट्रवादी के कांग्रेस के लोग जाकर उसको थप्पड़ मारते हैं, एक मराठी एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ कुछ अनाप शनाप लिख दिया उसको जेल को भिजा दिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ लिखा तो सैनिक पहुंच जाते हैं उसका मुंह काला करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। हम यही तो पूछ रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे पर, शरद पवार साहिब पर जब कुछ अनाप शनाप लिख दिया जाता है तो आप जेल भिजा देते हैं, यहां पर क्यों नहीं कर रहे आप? क्या ये सब मिले हुए हैं आपस में? आपको करना चाहिए, आप सत्ता में, आप क्यों नोटिस दे रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि जब ये मसला पैदा हुआ ये स्पोक्स पर्सन के अनाप शनाप बयान के बाद,
क्या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कुछ कहा सिवाय हमारे और मुस्लिम ऑल इंडिया आईयूएमएल के पॉलिटिकल पार्टीज का? देख लीजिए, इनके सबके सब की जमानें बंद थी और परसों रात से अचानक ये लोग दूल्हे बन गए, पूरे के पूरे जिंदा क्यों नहीं बोल रहे थे ये लोग? क्यों नहीं बोल रहे थे? आपकी आवाज में अपनी आवाज क्यों नहीं मिला रहे? इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे, सच्चाई के लिए खड़े हो जाएंगे, इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हमको हमारे हिंदू भाइयों को वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं। अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे अरे भैया आ जाइए, अरे असद भाई, अब्दुल्ला भाई, रहमान भाई, अरे आप और हम तो मिले हुए, आइए। जब आ जाता है गुस्सा, उसको अभी चुनाव नहीं है ना। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।